नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद झंवर, इंदौर से। छाती, दमा, नाक की एलर्जी, ब्रोंकोस्कोपिस्ट और स्लीप ब्रीथिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। विगत 27 साल से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, नवनी प्लाजा इंदौर में। आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है नेजल एलर्जी। नेजल एलर्जी यानि नाक की एलर्जी। इसको सामान्य अवस्था में नज़ला या साधारण सर्दी का प्रयोग भी, या लोग कुछ इसको हे फीवर भी बोलते हैं। क्या होती है नेज़ल एलर्जी? नेज़ल एलर्जी नाक की अंदर की परत की सूजन होती है, जो कि आईजी इमीडिएटेड होती है। यानी ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो किसी खास कारकों के संपर्क में आने के बाद में उनमें सूजन आती है और आदमी को विभिन्न प्रकार के नाक के एलर्जी के लक्षण होने लगते हैं। लक्षण मुख्य रूप से नाक की इचिंग यानि खुजली होना, छींके यानी स्नीजिंग होना, नाक बहना यानि रनिंग नोज होना, या किसी किसी को ब्लॉक नोज होना, यानी नाक बंद होना। यानी मुख्य रूप से ये नाक के लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए। लेकिन कई बार और भी लक्षण हो सकते हैं। अगर ये नाक बंद है, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक है, तो कान में आवाज़ में काफ़ी चेंजेस होंगे, मफल साउंड्स होंगे, उनको हार्ट अटैक मीडिया भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट्स की जो आँखों से नाक के में एक डक्ट होती है, जिसको नेजोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो आँखों से खुजली होना, आँखों से पानी आना। अगर नाक बंद है तो पेशेंट को स्नोरिंग होगी, खराटे आएंगे और हेडेक होगा, और पूरी नाक बंद हो तो कई बार खांसी, ड्राई कफ या गला खराब हो सकता है। तो ये विभिन्न लक्षण है नाक की एलर्जी के जो मरीज को हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये सिम्टम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, साधारण सर्दी और एलर्जी में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। हमेशा एलर्जी के पेशेंट्स के अंदर, खास किसी मौके पे संपर्क में आने से, कारकों के संपर्क में आने से उसको तकलीफ चालू होती है। यानी घर में एक सफाई हुई, घर में कोई झाड़ू पोता हुआ, उसके बाद में उसकी कुछ चीज़ की फ्रेगनेंस आई, या किसी खास मौसम के अंदर, जैसे लोग को तारीख भी मालूम होती है, सर 15 अगस्त चालू होता है और मेरे को सर्दी चालू हो जाती है, डॉक्टर साहब नाक में सर्दी, इचिंग, स्नीजिंग, ब्लॉक नोज होती है, तो मुख्य रूप से वो हो सकता है कि फूल के पराकणों से उसकी एलर्जी हो। अगर किसी पेशेंट को साल भर की प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं पेरिनल एलर्जिक राइनाइटिस, तो हो सकता है कि वो घर के अंदर धूल के जीवाणुओं से, सीलन से, या पालतू जानवर होते हैं घर में, कुत्ते, डॉग्स के, बहुत लोग घर में कुत्ते पालते हैं, डॉग्स रखते हैं, तो ऐसे लोगों को साल भर तकलीफ हो सकती है। तो ये हम देखें कि क्यों यह जो एलर्जिक राइनाइटिस है, ये सबसे कॉमनेस्ट एलर्जी है। यानी अगर हम सारी एलर्जी की बात करें, अस्थमा की, ड्रग एलर्जीज की, दापड़ की, और भी विभिन्न प्रकार के एनाफाइलेक्सिस की, फूड एलर्जीज की, तो हम इसमें से पाएंगे कि नेजल एलर्जी सबसे कॉमनेस्ट एलर्जी है। यानी 20-30% लोगों को यह समस्या है। तो क्या होता है बेसिकली, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है? क्योंकि पेशेंट्स को जब भी तकलीफ होती है तो घर के लोग बोलते हैं कुछ तकलीफ नहीं, सिंपल ही है, तो सर्दी जुकाम सभी को होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब भी कुछ दवाई देते हैं, उसके बाद में बोलते नहीं ठीक हो जाएगा। मतलब वो पेशेंट भी खुद ये बीमारी को अपना आपको ऐसा ग्रहण कर लेता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं, और वो सोचता है नॉर्मल उसके बॉडी का हिस्सा हो गई ऐसी बीमारी, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन इसका इम्पेक्ट बहुत है अपने लाइफ में। जो बच्चे को अगर एलर्जी की शिकायत है, अगर वो जिस दिन एलर्जी का प्रकोप हुआ किसी ट्रिगर्स में, मौसम के बाद में, तो उसका पढ़ाई का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता, उसके नंबर कम आते हैं। अगर किसी आदमी को हो जाए जो ऑफिस गोइंग है, किसी को एलर्जी हो जाए, रात भर छींकना, रात भर नाक बहना, बंद होना, सर्द हो, उसका दिन का सेकेंड डे उसके वहाँ से अपना ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। यानी काफ़ी बड़ा लॉस होता है, और यहाँ आगे जाके अस्थमा का रूप भी धारण कर लेता है। तो यहाँ मुख्य रूप से हमको देखना होगा कि पेशेंट को ये नाक की सर्दी अस्थमा के साथ तो नहीं जुड़ी हुई है, हम इसको अस्थमा होने से बचा सकते हैं। या किसी पेशेंट को स्नोरिंग होगी तो वो स्लीप एपनिया यानी नाक के ऑब्स्ट्रक्शन से जो खराटे आएंगे वो लोग लेके आएंगे, तो उन लोगों का भी दिन का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है। तो क्या, कैसे इसको डायग्नोस किया जाए? डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है, जो नाक की एलर्जी का से बताया, सीजनल वेरिएशन मिलेगा, घर में फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, कारक मिलेंगे, वो जो साधारण जो होती है नाक का जो साधारण जुकाम होता है वो कभी कभी हुआ और 7 दिन में ठीक हो जाता है। जो एलर्जी जुकाम होता है वो नाक से पानी, बिल्कुल पानी ऐसा आता है,
वो इन्फेक्शन नहीं होता, कभी भी एलर्जी में बुखार नहीं आता, जबकि साइनसाइटिस और ये बीमारियों में हमेशा बुखार के सामने प्रेजेंट होती है। हम देखते हैं बच्चे जो छींकते हैं वो हमेशा अपने उनके फेशियल के अलग अलग जो है ग्रिमाइसेस होते हैं, वो नाक में से जब छींकता जोर से आँख छीं और बाद में नाक ऐसा करता है अलग अलग टाइप के से नाक करता, और देखते हैं कि वो ऐसा बार बार करने से उसके नाक के यहाँ पे क्रीजेस होते हैं, इसको नेजल क्रीजेस बोलते हैं, आँखों में काले काले धब्बे हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर से, और हमेशा उसका रैबिट जैसा मुंह हो जाता है, उसके कई बार नाक बंद होने से उसके जबड़े एडिनाइज बढ़ जाते हैं और उसके जबड़ा की मुँह में जोबड़ा की भी साइज चेंज हो जाती है, जो खुटी चेंज होती है लोगों की एडिनाइज बनने के कारण से होती है, जो कि नाक के सदी से यूजली उसका जो कनेक्शंस होते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो खराटे भी भरते होंगे, शायद उनको नाक की एलर्जी हो सकती है। तो इनमें क्या क्या जांच की जाए, जांच में मुख्य रूप से हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री से पता लगा लेते हैं कि इसको नाक की एलर्जी है। डॉक्टर आपको ब्लड में IgE लेवल, CT स्कैन, PNS की सलाह देगा, हो सकता है कि एक्सरे चेस्ट भी कराए अगर अस्थमा साथ में हो तो, और सबसे मुख्य रूप जाँच है एलर्जी टेस्ट, क्योंकि एलर्जी राइनाइटिस के ट्रीटमेंट तीन है, एक तो एलर्जी से बचाओ यानी जिस ऐसे एलर्जी है उसको उससे दूर रहना। तो मुख्य रूप से एलर्जी के जो कारक होते हैं वो होते हैं हवा वाले, उनमें से पोलन्स खास है, धूल के जीवाणु खास है, फंगल मोल्ड, उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच एलर्जीज हैं, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज हैं, कुछ डेंडर्स हैं, और किसी किसी को फूड एलर्जीज भी कॉमन है, और रूप से कुछ ड्रग इंड्यूस भी हो सकते हैं, यानी किसी को बीटा ब्लॉकर चल रही है, दर्द निवारक दवाएं चल रही है, तो उसकी हिस्ट्री भी डॉक्टर ले सकता है। अगर इसमें दो संभावना होगी, एक तो बेसिक कॉज है एलर्जी यानी नाक की परत की सूजन, लेकिन बहुत से लोगों को नाक की एलर्जी होते होते नाक के अंदर के छल्ले बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं नेजल पॉलीपोसिस बोलते हैं। कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, साइनसिस बार बार होंगे, इनको ENTs की हेल्प लेनी जरूरी है, वो नाक के CT स्कैन में हमें दिख जाता है, अगर वो डिफेक्ट है तो उसको ठीक करना जरूरी होगा। अभी जो ट्रीटमेंट है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस यानी एलर्जी के कारकों से दूर रहें, मिनिमल दवाइयाँ, मिनिमल फार्माकोथेरेपी यानी कम से कम दवाइयाँ जिससे सिडेशन नहीं हो। दवाइयाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है जो हम उस मुँह से लेते हैं जो कि एंटीहिस्टामाइन्स बोलते हैं, और वो आजकल दिन में एक बार लेने से जिससे कोई सिडेशन नहीं होता, वो आप तुरंत उससे लक्षण पर काबू कर सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ और स्पेसिफिक होती है जैसे नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे में दोनों दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं जो अंदर परत में सूजन ठीक करते हैं, या एंटीएलर्जिक दवाई भी हो सकती है, लेकिन उसका लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। नेजल स्प्रे से हमें नाक को पूरा साफ किए करना होता है, उसके बाद में हमें इसको प्राइम करना, अगर ये नेजल स्प्रे बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ हो तो इसको 2-3 बार इसको बाहर स्प्रे निकालें, उसके बाद में इसको यूज़ करें। हमेशा नाक में डालते समय इसको हमारी आंखों की तरफ वाली मतलब नाक की लेटरल दीवार पे इसको डालें, इससे पहले सांस बाहर निकाल लीजिए डाल के, फिर धीमे से अंदर खींचना है, और फिर इधर भी ऐसे ही करना है, ऐसा डालें कि अपनी आंखों की तरफ इसका नोजल का मुंह हो। इसको जोर से नहीं खींचना है क्योंकि हमें इस दवाई की मात्रा का प्रयोग यहाँ नाक में करना है, हमें गले में नहीं चाहिए, अगर गले में दवाई जाएगी तो उसके अप्लीजेंट टेस्ट होगा तो मरीज को वो अच्छा नहीं लगता है। और तीसरा महत्वपूर्ण इलाज है एलर्जी टेस्ट के वैक्सीन्स के द्वारा, यानी ऐसे जो पेशेंट है जिनको रिकरेंट एलर्जी हो रही है, वो जिनको धूल के जीवाणु की एलर्जी है या पोलिनोसिस है, तो उनको ओरल वैक्सीन्स वगैरह ऐसे दे सकते हैं, ये वो वैक्सीन्स होते हैं जिससे उनको एलर्जी होती है, ये सब लिंगुअली या इंजेक्शन में सब टोटल इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके देने से धीमे धीमे हमारे अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है, और उससे लड़ने की क्षमता बढ़ने से हमारे एलर्जी के सेल्स से कम होना शुरू होते हैं IgE लेवल, और ब्लड के IgG लेवल बढ़ना शुरू होते हैं, यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर भविष्य में धूल के जीवाणु अगर संपर्क में भी आए तो हमें एलर्जी नहीं होती है। तो ये एक सिंपल तरीका जो से दो से तीन साल तक ये वैक्सीन लेने होते हैं पेशेंट को, उससे मरीज की बहुत हद तक दवाइयाँ कम हो जाती है, उसके लक्षण काबू हो जाती है। तो इन शॉर्ट नेजल एलर्जी एक सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो कि 20-30% लोग को ये समस्या है। एलर्जी का सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो यही पेशेंट्स हैं जो नाक की सर्दी से होते हैं। इसका डायग्नोसिस अर्ली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे जाके अस्थमा का रूप धारण कर सकती है, या साइनसाइटिस है, या क्रॉनिक कफ है, ऑटाइटिस मीडिया है,
क्रॉनिक हेडेक्स हैं, ये हो सकता है। किसी पेशेंट को गट रिफ्लक्स की संभावना भी होगी, उसको भी ठीक करना जरूरी है। और पेशेंट इसके बारे में अवेयर नहीं है कि ये क्या चल रहा है, नज़ला कैसे है, कैसे इसको किस डॉक्टर को दिखाएं, कैसे इसको अप्रोच करें, क्या दवाइयाँ उसको होना चाहिए और क्या वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं इसके लिए, कैसे इसको दीर्घायु ट्रीटमेंट दे जिससे मरीज को सिम्टम काबू कर सके। अगर हम ये प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करते हैं, मिनिमल फार्माकोथेरेपी करते हैं और प्रॉपर पेशेंट का सिलेक्शन करके उसको अगर ओरल वैक्सीन देते हैं तो मरीज की संख्या बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। धन्यवाद।